अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक अब राष्ट्रीय बहस का मुद्दा भी बन गया है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक अहम मुद्दा मशाल जुलूस और हवन पूजन भी आरंभ है। बता दें, गृह मंत्री रंधावा और डीजीपी की पंजाब की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भाजपा ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी मंडल फगवाड़ा की ओर से फगवाड़ा के नायब तहसीलदार को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन सौंप दी गई है। ज्ञापन में प्रदेश की चन्नी सरकार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 5 जनवरी को पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में गंभीर चूक के जिम्मेदार ठहराते हुए पंजाब के गृह मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा तथा डीजीपी पंजाब को बर्खास्त करने की मांग की गई है। समूह वर्कर जो 5 तारीख पंजाब की कांग्रेस की सरकार ना मिली भगत के कारण, जो नवजोत सिद्धू चन्नी के कारण साडे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कमी आई है, उन सारे देश के कोना कोना इस गल की निंदा कर रहे हैं। और साड़ी पार्टी की अच्छी मंग है, यहो जे मूर्खों के हथ सरकार आई हुई है पंजाब की, प्रधान बोली जाता, कोई मुख्यमंत्री बोली जाता, कोई होम मिनिस्टर बोली जाता, इन्होंने नत पवा की लड़ नहीं, इन्हों चलते करो, राष्ट्रपति लागू करो और जो पंजाब की शांति वातावरण पैदा हो। धन्यवाद। आपको बता दें कि जिला महासचिव राजीव पौवा तथा मंडल प्रधान परमजीत सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व तो प्रदेश के गृह मंत्रालय तथा पुलिस प्रशासन का होता है। इस मौके पर भाजपा नेता अमित सांपला अत्यंत तल्ख लहजे में बोला कि मुख्यमंत्री की कोई मजबूरी थी तो डिप्टी CM जो कि गृह मंत्री भी हैं और खुद DGP तथा प्रधानमंत्री के साथ मौजूद क्यों नहीं थे। आशीष सांपला ने कहा कि इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर आज पूरे देश जानना चाहती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की नीयत में खोट है और यह खोट साफ झलकती है। आपको बता दें कि BJP हमले के मूड में आ चुकी है, अब देखना होगा पंजाब चुनाव में यह किस कदर लाभप्रद होता है। पंजाब के फगवाड़ा से रमन बहल की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।